नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 26 जून दिन सोमवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। आगामी इंटर और मैट्रिक की परीक्षा में इस दस्तावेज को ले जाना होगा अनिवार्य। बिहार में अवैध खनन व ढुलाई पर इस तकनीक से लगेगी रोक। शिक्षक बहाली परीक्षा को लेकर शिक्षा मंत्री ने कही बड़ी बात। अमोनिया गैस लीक मामले की जाँच करने पटना से पहुँची विशेष टीम। रोहित शर्मा के बाद भारतीय टीम के कप्तान को लेकर पूर्व कोच ने की बड़ी भविष्यवाणी। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। भारतीय सेना में 194 पदों पर भर्ती। भारतीय सेना द्वारा टेक्निकल पदों पर भर्ती हेतु कुल 194 पदों के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसके लिए अगर शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उम्मीदवार को संबंधित ट्रेड पोस्ट से इंजीनियरिंग में डिग्री की होनी चाहिए। आवेदक योग्यता से जुड़ी अधिक जानकारी जुटाने हेतु अधिसूचना देख सकते हैं। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आवेदन करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट joinindianarmy.nic.in पर जाकर ऑनलाइन तरीके से आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि आवेदन करने की अंतिम तारीख 19 जुलाई 2023 तक निर्धारित की गई है। नदियां और तटबंधों के 11,814 एकड़ चाट भूमि पर लगेंगे पौधे। प्रदेश की हरियाली बढ़ाने में बिहार सरकार की ओर से प्रदेश के चाट भूमि पर पौधारोपण का कार्य किया जाएगा। बता दें कि इसके लिए सरकार की ओर से कार्य योजना भी तैयार कर ली गई है। वहीं कौन कौन से पेड़ लगाए जाएंगे इसकी भी योजना तैयार कर ली गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पौधारोपण के लिए जल संसाधन विभाग की ओर से 11,814 एकड़ चाट चिन्हित कर लिया गया है। मालूम हो इस कार्य की जिम्मेदारी विकास आयुक्त विवेक कुमार सिंह के द्वारा जल संसाधन विभाग और पर्यावरण और वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को सौंपी गई है। दरअसल राज्य सरकार की ओर से ऐसी उम्मीद की गई है कि इस वर्ष प्रदेश में 17% हरियाली के लक्ष्य को पूरा कर लिया जाएगा। बिहार के अनिल अग्रवाल ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से आमंत्रण को लेकर कही ये बात। अनिल अग्रवाल जो आज किसी के पहचान के मोहताज नहीं है, जिन्होंने दिग्गज मेडिकल कंपनी वेदांता के फाउंडर और चेयरमैन के रूप में अपनी पहचान बनाई है। अनिल अग्रवाल अक्सर सोशल मीडिया पर काफी नजर आते हैं और आए दिन जीवन से जुड़ा कोई न कोई किस्सा शेयर करते रहते हैं। इस बार उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में खींची गई एक तस्वीर शेयर की। दरअसल अभी हाल में ही अनिल अग्रवाल इस यूनिवर्सिटी में पहुंचे थे। यहां जाने को लेकर उन्होंने अपना अनुभव शेयर करते हुए लिखा कि यह किसी सपने से कम नहीं था। उन्होंने बताया कि कभी कॉलेज नहीं गया, उससे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी बुलाया जाए और छात्रों के साथ बातचीत का मौका मिले, यह किसी सपने से कम नहीं है। बिहार के पर्यटन में आज हम बात करेंगे नेपाली छावनी मंदिर के बारे में। नेपाली छावनी मंदिर वैशाली शहर का एक प्रसिद्ध मंदिर है। यह मंदिर वैशाली जिले में हाजीपुर में स्थित है। यह मंदिर शिव भगवान जी को समर्पित है। यह मंदिर हाजीपुर में कोनहारा में स्थित है। यहाँ पर आपको कोनहारा घाट का सुंदर व्यू देखने के लिए मिलता है। यहाँ आकर आप अपना अच्छा समय बिता सकते हैं। यह वैशाली की सबसे अच्छी जगह है। यह मंदिर नेपाली स्टाइल में बना हुआ है। यह मंदिर गंडक नदी के किनारे बना हुआ है। इस मंदिर की वास्तुकला बहुत सुंदर है। यह मंदिर करीब 550 साल पुराना है। इस मंदिर का स्ट्रक्चर पशुपतिनाथ मंदिर के समान है। इस मंदिर में आपको खजुराहो और अजंता के समान सुंदर नक्काशी देखने के लिए मिल जाती है। यहाँ पर स्तंभों में नक्काशी की गई है जो बहुत आकर्षक लगती है। आप यहाँ पर घूमने के लिए आ सकते हैं। यहाँ पर आपको गंडक नदी का सुंदर दृश्य देखने के लिए मिल जाता है। आगामी इंटर और मैट्रिक की परीक्षा में इस दस्तावेज को ले जाना होगा अनिवार्य। अध्यक्ष आनंद किशोर की अध्यक्षता में इंटरमीडिएट और मैट्रिक की परीक्षा में सामने आने वाले परेशानियों को दूर करने के उद्देश्य से बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से 3 दिवसीय परिचर्चा का आयोजन हुआ। इस परिचर्चा के दौरान परीक्षा प्रणाली को बेहतर और उत्कृष्ट बनाने के लिए साल 2024 में आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं में उच्च तकनीक का प्रयोग करने का निर्देश दिया गया। इस आयोजन की अध्यक्षता कर रहे आनंद किशोर ने बताया कि आगामी इंटर और मैट्रिक की परीक्षाओं में राज्य के सभी जिलों में शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति के लिए रेंडमाइजेशन सॉफ्टवेयर तैयार किया जाएगा। इस सॉफ्टवेयर द्वारा जिलों के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति की जाएगी। बता दें कि आगामी मैट्रिक और इंटर की परीक्षा में छात्रों को परीक्षा केंद्र पर फोटोयुक्त पहचान पत्र या आधार कार्ड लाना अनिवार्य होगा, ताकि उत्तर पुस्तिका में पहले से ही प्रिंटेड छात्रों की तस्वीर से मिलान कर पहचान की जा सके। अमोनिया गैस लीक मामले की जांच करने पटना से पहुंची विशेष टीम। बिहार के हाजीपुर के औद्योगिक क्षेत्र स्थित दूध फैक्ट्री में शनिवार रात 10:30 बजे अमोनिया गैस लीक होने के कारण एक भीषण हादसा घटित हो गई। बता दें इस घटना में एक व्यक्ति की जान चली गई तो वहीं 100 से अधिक व्यक्ति घायल हो गए। वहीं अब इस मामले की जांच करने को लेकर बिहार की राजधानी पटना से एक विशेष टीम हाजीपुर पहुंची है, जो फैक्ट्री का निरीक्षण कर घटना के घटित होने के कारण की जानकारी जुटाने में लगी है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ऐसा कहा जा रहा है कि इस मामले पर सरकार की ओर से नजर रखी जा रही है। वहीं मामले को लेकर डीएम यशपाल मीना के द्वारा बैठक कर सभी घायलों की स्थिति ली गई है और कहा गया है कि स्थिति अब पूरी तरह से नियंत्रण में है। इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति को किसी प्रकार की परेशानी हो रही है तो वह सदर अस्पताल में जाकर अपना इलाज करवा सकते हैं।
शिक्षक नियमावली को लेकर बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ का बड़ा ऐलान। नई शिक्षक नियमावली को लेकर बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष रघुवंश प्रसाद सिंह एवं महासचिव सह पूर्व सांसद शत्रुघ्न प्रसाद सिंह के द्वारा कहा गया कि असंवैधानिक अध्यापक नियुक्ति नियमावली 2023 के प्रतिरोध में 1 मई से सत्याग्रह कार्यक्रम चलाए जाने के बावजूद और सरकार द्वारा बार बार वार्ता के लिए अनुरोध को ठुकराए जाने के कारण विवश होकर विधानमंडल सत्र आरंभ होने के दूसरे दिन 11 जुलाई को शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने का निर्णय लिया गया है। इस प्रदर्शन में बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ, बिहार नगर पंचायत प्रारंभिक शिक्षक संघ और परिवर्तनकारी शिक्षक संघों के अतिरिक्त अन्य संगठनों के भी हजारों की संख्या में भाग लेने शिक्षक 11 जुलाई को 11 बजे पटना पहुंचेंगे। यह प्रदर्शन पूर्णतः शांतिपूर्ण और अहिंसक होगा। जब तक राज्यकर्मी की दर्जा की घोषणा विधानमंडल के इसी सत्र में सरकार नहीं करेगी, तब तक विधानमंडल के सदस्यों के आवास पर उस क्षेत्र के शिक्षक डेरा डालेंगे और उन पर राज्यकर्मी का दर्जा देने पर जोर डालने की आवाज को सदन के अंदर उठाने के लिए नैतिक दबाव डालेंगे। बिहार में अवैध खनन व ढुलाई पर इस तकनीक से लगेगी रोक। बिहार में अक्सर अवैध बालू खनन के मामले सामने आते रहते हैं। इस पर रोक लगाने के लिए बिहार सरकार आए दिन सख्त होती नजर आ रही है। अब इसी कड़ी में एक बार फिर से बिहार सरकार अवैध बालू खनन, ढुलाई और इसके बिक्री पर रोक लगाने के लिए लग चुकी है। मिली जानकारी के अनुसार इसके लिए विभाग की क्रियाकलाप का डैशबोर्ड और एक सॉफ्टवेयर इंटीग्रेटेड माइनिंग मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम बनेगा, जिससे नदियों, बालू घाट, पत्थर खनन के साथ साथ बंदोबस्तधारियों और ठेकेदारों का प्रोफाइल तैयार किया जा सके। ऐसे में अवैध खनन जैसे मामलों में कमी आएगी व गाड़ियों के सत्यापन भी इस पोर्टल से किए जा सकेंगे। इस दिन तक बनकर तैयार हो जाएगा दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर। बिहार के पूर्वी चंपारण में करीब 500 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से दुनिया के सबसे बड़े रामायण मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है, जिसे वर्ष 2025 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं इस मंदिर का निर्माण को लेकर आचार्य किशोर कुणाल के द्वारा कहा गया कि हमने दुनिया के सबसे बड़े मंदिर रामायण मंदिर के निर्माण का डिजाइन तैयार किया है और यह काम महावीर मंदिर ट्रस्ट द्वारा किया जा रहा है और मैं महावीर मंदिर ट्रस्ट का सचिव हूं और इस मंदिर के निर्माण की योजना से लेकर शुरुआत तक के काम का नेतृत्व कर रहा हूं। जब राम जी की बारात लौट रही थी तो दूसरी रात यहां रुकी थी और यह मंदिर अयोध्या से जनकपुर तक बन रहे जानकी मार्ग पर स्थित है। मंदिर का निर्माण वर्ष 2025 के अंत तक पूरा हो जाएगा। बता दें कि मंदिर की लंबाई 2800 फीट, चौड़ाई 1400 फीट और ऊंचाई 405 फीट होगी। साथ ही मंदिर परिसर में मैरिज हॉल और गेस्ट हाउस भी बनेंगे। मंदिर में एक समय में 20,000 लोगों के बैठने की क्षमता होगी। इन सबके अलावा इस मंदिर में दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग स्थापित किया जाएगा। ड्यूटी आवर में गायब रहने वाले शिक्षकों की अब खैर नहीं। अक्सर सरकारी स्कूलों में कई तरह की गड़बड़ी सामने आने पर सरकार कई तरह के सख्त नियम बनाती है। सरकार द्वारा सुदृढ़ शिक्षा व्यवस्था के लिए कई तरह के पहल किए जाते हैं। अब इसी कड़ी में बिहार सरकार ने सभी डीएम को सख्त निर्देश दिए हैं कि वे अपने जिले के सभी स्कूलों में सप्ताह में 2 बार निरीक्षण करें। याद, इस निरीक्षण के दौरान शिक्षक अपने ड्यूटी से गायब रहते हैं तो उनके वेतन काट लिए जाएंगे। बता दें कि सभी अधिकारियों को इस बारे में शिक्षा विभाग के SC/SK पाठक ने निर्देश दे दिए हैं। अब जिला अधिकारियों को भी छुट्टी लेने के लिए SC/ST से ही मंजूरी लेनी होगी, लेकिन यदि किसी इमरजेंसी की स्थिति बनती है तो वे अपने सीनियर अधिकारियों से भी छुट्टी ले सकेंगे। बता दें कि सोमवार से यानी कि आज से ये नियम लागू हो जाएंगे। बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे श्रेया नारायण के बारे में। श्रेया नारायण एक भारतीय फिल्म और टेलीविजन अभिनेत्री, मॉडल, लेखक और सामाजिक कार्यकर्ता हैं। 2011 में श्रेया नारायण ने तिगुमानु धुलिया हिट फिल्म साहेब बीबी और गैंगस्टर में महुआ के चित्रण के लिए आलोचकों की प्रशंसा कमाई। उन्होंने कई हिंदी फिल्मों में अभिनय किया है, जैसे नॉकआउट, रॉकस्टार, सुखविंदर सिंह की कूचा कड़ी, सुधांशु शेखर झा के प्रेममयी में भी फिल्मों के नाम शामिल है। उन्होंने कोशी नदी के बाढ़ के दौरान प्रकाश झा के साथ बिहार बाढ़ राहत मिशन पर काम किया। श्रेया ने भारतीय अर्थशास्त्री के लिए बॉलीवुड के एक आर्थिक मॉडल पर एक 3 भाग का लेख भी लिखा था। वह पेप्सोडेंट, वोडाफोन, अमूल, कैस्ट्रॉल, एक्सिस बैंक आदि जैसे ब्रांडों के लिए विभिन्न विज्ञापन फिल्मों में दिखाई दी है। शिक्षक बहाली परीक्षा को लेकर शिक्षा मंत्री ने कही बड़ी बात। एक तरफ जहां नई शिक्षक नियमावली को लेकर शिक्षकों के द्वारा विरोध किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर इस मुद्दे पर नीतीश सरकार की ओर से अपना स्टैंड क्लियर कर दिया गया है। वहीं एक बार फिर से बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर के द्वारा इस मुद्दे पर अपना बयान देते हुए कहा गया है कि नई शिक्षक नियमावली राज्य हित में है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि शिक्षक का प्रदर्शन करना उनका अधिकार है, उन्हें परीक्षा पास करना ही होगा। बिहार अपनी विरासत को वापस पाना चाहता है। उन्होंने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में हमारे बिहार की ज्ञान भूमि का जो विरासत रहा है, फिर से उसे विश्वस्तरीय बनाने की कोशिश की जा रही है। बिहार में किसान इस दिन से शुरू करेंगे आंदोलन। शनिवार को रविंद्र भवन में MSP खाद्य सुरक्षा कर्ज मुक्ति राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन का आयोजन संयुक्त किसान मोर्चा एवं अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के संयुक्त तत्वावधान में बिहार के प्रमुख किसान संगठनों द्वारा किया गया। 1200 से भी अधिक किसान बिहार के सभी जिलों से, साथ ही राष्ट्रीय किसान नेता और राज्य के 11 किसान संगठनों के नेता इस सम्मेलन में शामिल हुए। बता दें कि सम्मेलन में 24 सूत्रीय मांग पत्र को पेश किया गया। इसे किसान नेता नंदकिशोर सिंह द्वारा पेश किया गया था। इसमें कई ऐसे मुद्दे थे जो MSP की कानूनी गारंटी, संपूर्ण कर्ज मुक्ति,
खाद्य सुरक्षा की गारंटी किसानों और मजदूरों के लिए किसान पेंशन से जुड़े थे। किसान नेता विनोद कुमार द्वारा कहा गया कि 1 जुलाई से 15 अगस्त के बीच देश के किसानों खेत मजदूरों को एकजुट करने के लिए जिलों में जिला स्तरीय सम्मेलन, 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन और अगस्त क्रांति दिवस के अवसर पर कॉरपोरेट बहिष्कार दिवस और जिला मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन, 15 अगस्त को आजादी बचाओ दिवस, 16 अगस्त से 30 सितंबर के बीच किसानों और खेत मजदूरों के बीच मांगों को उठाया जाएगा। 26 नवंबर से 28 नवंबर तक 3 दिवसीय महाधरना होगा। बिहार के कई जिलों में हो सकती है बारिश। बिहार में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। बदलते हालात के बीच में प्रदेश के कई जिलों में बारिश की संभावना है तो कई जिलों में तेज धूप जैसे हालात है। मौसम विभाग की माने तो अगले 24 घंटे के दौरान बिहार में कई जिलों में कहीं कहीं छिटपुट बारिश की संभावना है। अगले 2-3 दिनों के दौरान बिहार के कई जिलों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि बिहार में आगामी दिनों में बिजली कड़कने और गिरने की घटना में बढ़ोतरी हो सकती है। सुदृढ़ शिक्षा हेतु बिहार के 11 जिलों में खुलेंगे सिमुलतल्ला जैसे आवासीय स्कूल। बिहार में शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ हो सके इसके लिए सरकार आए दिन कई तरह की योजना बनाती है। अब इसी कड़ी में बिहार लोक सेवा आयोग के जरिए सिमुलतल्ला आवासीय विद्यालय में नियमित शिक्षकों की नियुक्ति कराने का फैसला लिया गया है। इसके अलावा राज्य के 11 जिलों में नए स्कूलों की स्थापना सिमुलतल्ला आवासीय विद्यालय के तर्ज पर किए जाएंगे। बता दें कि इसका निर्णय सिमुलतल्ला शिक्षा सोसायटी के सामान्य बैठक में लिया जाएगा जिसकी अध्यक्षता शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर द्वारा की जा रही थी। अब एक यूनिवर्सिटी से दूसरे यूनिवर्सिटी में शिफ्ट करने पर नहीं होगी परेशानी। कई बार एक यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने के बाद दूसरे यूनिवर्सिटी में यदि बेहतर विकल्प मिलता है तो उसमें शिफ्ट होने में कई तरह की परेशानी सामने आती है, खासकर डॉक्यूमेंट से संबंधित। लेकिन अब यह परेशानी भी दूर हो जाएगी क्योंकि UGC द्वारा छात्रों को इस परेशानी को देखते हुए फीस रिफंड पॉलिसी तैयार किए गए हैं, जिसके तहत यदि किसी छात्र ने किसी भी यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया है तो अब वे दूसरी यूनिवर्सिटी में आसानी से शिफ्ट हो सकेंगे। साथ ही 30 सितंबर तक एडमिशन कैंसिल करने की पूरी फीस को भी वापस कर दिया जाएगा। यदि छात्र 31 अक्टूबर तक अपने एडमिशन को कैंसिल करवाते हैं तो उनके 1,000 रुपए तक ही काटे जाएंगे। बिहार शिक्षक भर्ती में अब बीएड और डीएलएड वालों को भी मौका। बीपीएससी की ओर से ली जाने वाली बिहार शिक्षा नियुक्ति परीक्षा में एक बार फिर से बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से संशोधन किया गया है। बता दें कि इस संशोधन के तहत अब बीएड या डीएलएड की परीक्षा में बैठने वाले अभ्यर्थी भी इस परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। यानी अगर कोई अभ्यर्थी अभी तक ना तो बीएड और न ही सीटेट या बीटेट उत्तीर्ण हो पाए हैं लेकिन 20 अगस्त को होने वाली सीटेट की परीक्षा में शामिल होने वाले हैं या बीएड की परीक्षा में शामिल होने वाले हैं तो वे भी बिहार शिक्षक भर्ती में आवेदन कर सकते हैं। इस पर बीपीएससी अध्यक्ष अतुल प्रसाद के द्वारा कहा गया है कि ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस परीक्षा में शामिल किया जा सके। उन्होंने बताया कि ऐसा करने से करीब 45,000 अभ्यर्थियों को लाभ मिला है। अब जानकारी के लिए बता दें कि अब तक शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए करीब आधा दर्जन संशोधन हो चुका है जिसमें एक संशोधन परीक्षा की तिथि भी शामिल है। नीतीश कैबिनेट विस्तार पर कांग्रेस की मांग पर आरजेडी जेडीयू ने दिया जवाब। 23 जून को बिहार की राजधानी पटना में हुई नीतीश कुमार की अध्यक्षता में विपक्षी दलों की बैठक के खत्म होने के बाद अब सभी की नजर नीतीश कैबिनेट के विस्तार पर बनी हुई है। बता दें कि एक तरफ जहां कांग्रेस की ओर से मांग की जा रही है नीतीश कैबिनेट में उनके 2 मंत्रियों को जगह मिले तो वहीं अब इस मुद्दे पर राजद और जदयू की ओर से अपनी प्रतिक्रिया दे दी गई है। एक तरफ जहां राजद प्रवक्ता शक्ति यादव का कहना है कि कांग्रेस की मांग वाजिब है और बिहार मंत्रिमंडल में 2 और मंत्री पद की मांग स्वाभाविक मांग है लेकिन इस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का विशेषाधिकार है और आने वाले समय में इस पर फैसला लिया जाएगा। वहीं दूसरी ओर जेडीयू कोटे से मंत्री जमा खान के द्वारा कहा गया कि कांग्रेस की मांग से कोई दिक्कत नहीं है, नीतीश कुमार इस पर फैसला ले लेंगे। आपातकाल की बरसी पर सीएम नीतीश को लेकर गिरिराज सिंह का बयान। बीते दिन यानी कि 25 जून का ही वह दिन था जिस दिन भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा देश में वर्ष 1975 में आपातकाल लागू कर दिया गया था। ऐसे में बीते दिन आपातकाल के 48वें बरसी पर दिल्ली से पटना पहुंचे गिरिराज सिंह के द्वारा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला गया। उन्होंने कहा कि दुर्भाग्य की बात है, जिन लोगों ने आपातकाल लगाने के लिए विरोध किया था आज वही आपातकाल लगाने वाले लोगों के साथ है। उन्होंने कहा कि जेपी आंदोलन की कोख से निकले नीतीश कुमार ने ऐसी शपथ खाई थी कि आपातकाल लगाने वालों के साथ कभी नहीं जाएंगे लेकिन आज वह कांग्रेस की गोद में जाकर बैठ गए हैं। नीतीश कुमार को अपने इस पाप के लिए प्रायश्चित करना चाहिए, उन्हें गंगा घाट पर जाकर बालू, गोबर और गंगा जल से प्रायश्चित करना चाहिए। रोहित शर्मा के बाद भारतीय टीम के कप्तान को लेकर पूर्व कोच ने की बड़ी भविष्यवाणी। एक तरफ जहां T20 विश्व कप में मिली हार के बाद से रोहित शर्मा की कप्तानी की जमकर आलोचना हो रही है तो वहीं दूसरी ओर इस कड़ी में पूर्व भारतीय कोच रवि शास्त्री के द्वारा एक बड़ी भविष्यवाणी कर बताया गया है कि रोहित शर्मा के बाद किस खिलाड़ी को टीम की कमान सौंपी जा सकती है। उन्होंने कहा कि विश्व कप 2023 के बाद मुझे लगता है कि हार्दिक पांड्या को सफेद गेंद वाले क्रिकेट में कप्तानी संभालनी चाहिए। रोहित को विश्व कप में भारत का नेतृत्व करना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। मुझे लगता है कि हार्दिक पांड्या के बॉडी टेस्ट का सामना नहीं कर पाएगी। सच कहूं तो ऐसे में 2023 वर्ल्ड कप के बाद उन्हें सीमित ओवरों की कप्तानी संभालनी चाहिए। अब समय आ गया है कि युवा खिलाड़ियों को ज्यादा से ज्यादा मौके मिले। T20 क्रिकेट की बात हो तो ज्यादा सवाल नहीं किए जाने चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि IPL की वजह से युवा खिलाड़ियों के टैलेंट के बारे में पता चलता है लेकिन इस प्रदर्शन को रेड बॉल में भी उन्हें बरकरार रखना चाहिए।
भारत के इतिहास में आज की तारीख है कई कारणों से दर्ज। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 1975 को देश में आपातकाल की घोषणा की। एयर इंडिया का पहला बोइंग गौरीशंकर 1982 को मुंबई में दुर्घटनाग्रस्त हुआ। उत्तराखंड में 2013 को एक बचाव हेलीकॉप्टर के दुर्घटनाग्रस्त होने से 20 लोग मारे गए। बहुराष्ट्रीय कंपनी रियोरिटी ने 2008 में मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में छतरपुर जिले के तहत हीरा खनन के लिए खनिंग पट्टा माइनिंग लीज हासिल कर बंदर डायमंड प्रोजेक्ट शुरू करने की घोषणा की। मराठी रंगमंच के महान नायक और प्रसिद्ध गायक बाल गंधर्व का जन्म 1888 में हुआ। परमवीर चक्र से सम्मानित भारतीय सैनिक सेकंड लेफ्टिनेंट रामा राघोबा राणे का जन्म 1918 में हुआ। भारतीय फिल्म निर्माता यश जौहर का निधन 2004 में हुआ। प्रसिद्ध साहित्यकार गोविंद शास्त्री तुगवेकर का निधन 1961 में हुआ। वेलकम, आज हम बात करेंगे 500 रुपए के नोट के बारे में। सोशल मीडिया पर कई सूचनाएं वायरल होती है लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे 500 रुपए के नोट के बारे में। दरअसल पीआईबी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि दावा किया गया है कि 500 रुपए का वह नोट नहीं लेना चाहिए जिसमें हरी पट्टी आरबीआई गवर्नर के सिग्नेचर के पास न होकर गांधी जी की तस्वीर के पास होती है। पीआईबी ने अपने ट्वीट में आगे लिखा है कि दावा फर्जी है। आरबीआई के अनुसार दोनों ही तरह के नोट माने होते हैं। व्हाट्सएप में कंफ्यूजन को कम करने आ रहा ये फीचर। व्हाट्सएप मीडिया पीकर टूल को एनहांस करने पर काम कर रहा है। दरअसल जब भी आप व्हाट्सएप पर किसी व्यक्ति को फोटो या वीडियो भेजते हैं तो जब आप एक से ज्यादा फोटो सेलेक्ट करते हैं तो उस दौरान एक टिक मार्क का साइन स्क्रीन पर नजर आता है। जैसे जैसे आप फोटो को सेलेक्ट करते जाते हैं वैसे वैसे टिक मार्क सभी फोटोज पर आते रहता है। ये दर्शाता है कि आपने कितनी फोटो सेलेक्ट की है और कौन कौन सी फोटो सेलेक्ट नहीं हुई है। अब कंपनी मीडिया पीकर टूल को और बेहतर बना रही है और टिक मार्क की जगह 1-2-3 का ऑप्शन ला रही है। व्हाट्सएप के डेवलपमेंट पर नजर बनाए रखने वाली वेबसाइट WA Beta Info के मुताबिक कंपनी व्हाट्सएप पर मीडिया टूल को एनहांस कर रही है और अब फोटो को सेलेक्ट करने पर यूजर को टिक मार्क की जगह 1-2-3 का ऑप्शन दिखाई देगा। यानी जब आप फोटो सेलेक्ट करेंगे तो इन्हें नंबर दिया जाएगा और इस आधार पर आप ये जान पाएंगे कि कौन सी फोटो आपने पहले सेलेक्ट की है और कितनी फोटो कुल सेलेक्ट हो गई है। आरबीआई गवर्नर ने 2000 रुपए के नोट को लेकर कही ये बात। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने 2000 रुपए के नोट को लेकर कुछ जानकारी दी है। दरअसल उन्होंने कहा है कि चलन में मौजूद 2000 रुपए के नोट वापस लेने के निर्णय के एक महीने के भीतर कुल 3.62 लाख करोड़ रुपए में से 2/3 से ज्यादा नोट बैंकों में वापस आ चुके हैं। आगे उन्होंने बताया कि 2000 रुपए के नोट वापस लेने का अर्थव्यवस्था पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। मालूम हो कि 2000 रुपए के नोट को वापस लेने का निर्णय केंद्रीय बैंक द्वारा 19 मई को अचानक से किया गया था। साथ ही 30 सितंबर तक इस नोट को बैंक खाते में जमा करवाने या बदलवाने के निर्देश दिए गए थे। इस दस्तावेज के बिना भी कर सकते हैं ITR फाइल। फॉर्म 16 दस्तावेज इनकम टैक्स फाइल करने वाले वेतन भोगी कर्मचारियों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। बता दें कि यह TDS और वेतन के विवरण के साथ नियोक्ता के जरिए कर्मचारियों को स्रोत पर दिए जाते हैं। यदि इनकम टैक्स प्रावधानों की बात करें तो इसके अनुसार हर नियोक्ताओं को TDS के अधीन इनकम वाले कर्मचारियों को फॉर्म 16 जारी करना पड़ता है। लेकिन वे भी वेतनभोगी कर्मचारी टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं जिन्हें फॉर्म 16 नहीं मिले। राजेश खेतान जो कि वरीय चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं उनके अनुसार यदि किसी वेतनभोगी कर्मचारी को फॉर्म 16 नहीं मिले तो वे इस दस्तावेज के बिना भी ITR फाइल कर सकते हैं। बीते दिन मजा पूछे का सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने जवाब हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया। जिन्होंने मजा पूछे का सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है कुमारी संजना, भावना सिंह, भक्ति कुमार, प्रवीण कृष्णा, मोहम्मद साकिर हुसैन, मृत्युंजय कुमार, कुश कुमार यादव, अनवर करीम खान, राजीव कुमार, पंचम वर्मा, राजकिशोर महतो, मुट्टू रंगीला, नीरज कुमार, हिलाली सबरी, बाबूलाल मरांडी। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है आपके अनुसार भारतीय टीम का अगला कप्तान कौन होना चाहिए। आप अपने जवाब हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देखें चैनल को सब्सक्राइब करना और अगर आप फेसबुक से देखें तो फेसबुक फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।